This is Dr. Sachin from IB Hoshiarpur. I'm a consultant gastroenterologist and hepatologist here. And आज हमारी टॉपिक है गॉल ब्लैडर की स्टोन्स. सो गॉल ब्लैडर स्टोन्स इस एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन प्रॉब्लम है. एंड गॉल ब्लैडर की जो स्टोन्स होती हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड में इसकी डिटेक्शन हो जाती है. सो दो तरह की टाइप ऑफ पेशेंट हमारे पास आती हैं. कोई और प्रॉब्लम की वजह से उनका अल्ट्रासाउंड किया एंड उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुआ, या पेशेंट यूजुअली लेस कॉमनली पेशेंट्स एंड क्वाइट कॉमनली पेशेंट्स आते हैं पेन अब्डोमेन के साथ. सो गॉल ब्लैडर की स्टोन्स की वजह से जो पेन अब्डोमेन होती है यूजुअली पेट की राइट साइड में होती है. एंड पेशेंट को यूजुअली कोई हैवी खाना खाने के बाद या कोई ऑयली फूड खाना खाने के बाद अचानक से पेन स्टार्ट हो जाती है एंड वो तेजी के साथ बढ़ जाता है. एंड कई बार पेशेंट्स को इतना ज्यादा पेन होता है कि इनको वॉमिटिंग, घबराहट, स्वेटिंग भी होने लग जाता है एंड इस करके इंजेक्शन भी लेने की जरूरत पड़ती है. सो इसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स, जो पेन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं. सो ट्रीटमेंट जो है दोनों के लिए अलग अलग होती है. सो उससे पहले हम ये जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते क्यों हैं. सो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने का बहुत सारे कारण होते हैं. कुछ कारण ऐसा है कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ कारण ऐसे हैं कि हम प्रिवेंट नहीं कर सकते. जो प्रिवेंट करने वाले लिस्ट में पहला नंबर आता है ओबेसिटी. सो यूजुअली जो कहते हैं कि फैटी फर्टाइल फीमेल्स, फेयर फर्टाइल फीमेल्स इन देयर 40s. सो ये एक क्लासिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन हमें पाया जाता है. सो ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है. उसके बाद आते हैं यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड कई सारे ड्रग्स है जिसकी वजह से गॉल स्टोन्स हो सकते हैं. एंड कुछ लोग अपना वेट लॉस करने के लिए प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं एंड रैपिड वेट लॉस करते हैं, उनमें से कॉमनली डेवलप होते हैं गॉल स्टोन्स. एंड कुछ कंडीशंस होते हैं जो हमारी हाथ में नहीं है. कुछ लोगों की जो बाइल होते हैं वो लिथोजेनिक होती है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होती है कि उसमें बाइल स्टोन गॉल स्टोन्स जो है वो बनने के वैसे ज्यादा होती है. एंड एक और इम्पोर्टेंट कारण इस एरिया में है कि खून टूटने वाली बीमारियां लाइक सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, इन सब क्लास ऑफ पेशेंट्स में गॉल स्टोन्स की रिस्क होती है. एंड आजकल लोगों की बेरियाट्रिक सर्जरी हो रही है, सो उनकी भी रैपिड वेट लॉस हो जाती है, उनको भी गॉल स्टोन डिजीज का रिस्क रहता है. सो एंड यूजुअली तीन टाइप की स्टोन्स कॉमनली पाया जाता है. नंबर वन एंड मोस्ट कॉमन है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, उसके बाद आता है कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन्स एंड लास्टली आता है पिगमेंट स्टोन्स. सो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो है अगर 1 सेंटीमीटर से कम है एंड रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है तो हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, लो फैट डाइट के साथ एंड एसिडोक्सिकोलिक एसिड करके एक गोली होती है उसके साथ हम डिसोल्यूशन थेरेपी ट्राई कर सकते हैं. बाकी सारे टाइप ऑफ स्टोन्स जो होते हैं यूजुअली वो अपने आप पिघलते नहीं है एंड उसको ट्रीटमेंट यानी कोलेसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर रिमूवल की जरूरत होती है. सो वापस आते हैं हमारी जो प्रेजेंटेशन जो हम बात कर रहे थे शुरू से, कि पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं अल्ट्रासाउंड में पता चल गया कि उनको स्टोन्स है, या पेशेंट आ सकते हैं कि हमारे पास कि उनको पेट में दर्द स्टार्ट हो गया इसीलिए हमारे पास आया है. सो अगर कोई पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं है एंड जस्ट अल्ट्रासाउंड में उनको डिटेक्ट हुआ है तो हम हमेशा पेशेंट को एक ऑप्शन दे सकते हैं कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के लिए. तो उनको पूरी तरह से हम समझाएंगे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आगे पेन हो सकती है या गॉल ब्लैडर की स्टोन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे. ये सब चीजें हो सकते हैं, आप इसका ध्यान रखो, अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हमारे पास आ जाओ. सो ये होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट. अगर कोई पेशेंट को एसिम्टोमेटिक था एंड इंसिडेंटली डिटेक्ट हुआ तो हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं. एंड दूसरा एक क्लास ऑफ पेशेंट्स है जिनको जिंदगी में बस एक ही बार पेन हुआ है, उसमें स्टोन्स डिटेक्ट हुआ, उनमें भी हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट जरूर ट्राई कर सकते हैं. बाकी जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको हमारी जो प्रैक्टिस में हमने देखा है कि बार मल्टीपल टाइम्स एक बार स्टोन की वजह से पेन हो गया तो हमेशा दोबारा पेन होने की डेफिनेटली रिस्क रहता है. सो एक इसको हम कहते हैं बिलियरी कोलिक, जो पेन होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से. वो गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है गॉल ब्लैडर की नेक में या गॉल ब्लैडर की नली में या नीचे एक कॉमन बाइल डक्ट होती है जो लीवर की नली गॉल ब्लैडर की नली के साथ मिलने के बाद जो बनते हैं.
सो वहाँ फर्स्ट केयर पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है। सो अगर कोई भी पेशेंट को एक बार से ज्यादा बार पेन हो गया है, डेफिनेटली वो एक इंडिकेशन बनते हैं उनके गॉल ब्लैडर निकलवाने की। सो यूजुअली हम ये कोलेसिस्टेक्टमी हम एडवाइस करते हैं करते हैं, एंड बाकी एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट हम इस एरिया में यूजुअली नहीं करते, क्योंकि ये जो बेल्ट है पंजाब की एरिया, एंड जो गैंजिस बेल्ट जो हम कहते हैं गंगा नदी की जो एरिया है, यहाँ पे लोगों ने देखा है गॉल ब्लैडर की कैंसर की रिस्क बहुत ज्यादा है। सो गॉल ब्लैडर की कैंसर की नंबर वन एसोसिएटेड फैक्टर जो होता है वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स ही होते हैं। सो अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स लंबे समय से गॉल ब्लैडर के अंदर पड़ा हुआ है एंड उसको हमने ट्रीट नहीं किया है, तो वो गॉल ब्लैडर में एक कैंसर बढ़ाने की होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। सो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूजुअली कोलेसिस्टेक्टमी यानी गॉल ब्लैडर रिमूवल सजेस्ट करते हैं। एंड एक सेकेंड क्लास ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं हमारी खून टूटने वाली बीमारियां, हिमोग्लोबिनोपैथीज जो कहते हैं हम, सिकल सेल एनीमिया या हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, उनको भी हम डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं कि आप अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करवा लो एंड आगे गॉल ब्लैडर की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उससे बच के रहना। सो एक तो हमने अभी तक डिस्कस किया सिंपल गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेन। सो एक तो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट यही होता है पेन की, बट गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है वो आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। एक तो अगर स्टोन नाली में फंस गया है एंड लकीली वो निकल के नीचे लेटरन के रास्ते एक नाली में नाली से अंतड़ी में आ गया एंड देन लेटरन के रास्ते निकल गया, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होता उस स्टोन की वजह से। बट लंबे समय के लिए अगर पित्त की पथरी जो है पित्त के अंदर फंस गया, तो पित्त में इन्फेक्शन हो सकता है, उसको हम कहते हैं अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। सो ये खतरनाक इन्फेक्शन होती है जिनको तेज बुखार आ जाएगा, पेशेंट को पीलिया हो जाएगा एंड पेट में दर्द हो जाएगा एंड पेशेंट को आईसीयू में मैनेज करने की जरूरत पड़ती है विथ हाई एंड एंटीबायोटिक्स। एंड इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है ऑर्गन फेल्यूर की तरफ भी पेशेंट जा सकते हैं, ये जानलेवा भी हो सकता है अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। एंड उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है कि पित्त की नली जो है वो नीचे आ गया, जो लीवर की नली के साथ मिलकर नीचे बनता है कॉमन बाइल डक्ट। सो नली में अगर पथरी फंस जाता है, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकलेगा साइज बड़ा है तो नली को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर एक बार नली ब्लॉक हो गया तो मरीज को बहुत ज्यादा पीलिया हो जाएगा, आंखें हाथ पीले हो जाएंगे एंड उसके बाद उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया तो हम इसको कहते हैं कोलेंजाइटिस। सो कोलेंजाइटिस कोलेसिस्टाइटिस से भी एक खतरनाक इन्फेक्शन होती है एंड ये कुछ घंटों के अंदर ही पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ा सकता है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। एंड लास्टली अगर आप गूगल करके देखोगे बिलियरी एनाटॉमी, बिलियरी ट्री ट्री कैसे होती है, ये गॉल ब्लैडर की नली लीवर की नली से मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनती है और नीचे कॉमन बाइल डक्ट जो है पैनक्रियास होता है उसका नली के साथ जुड़ती है एंड फाइनली वो अंत के अंदर ओपन होती है। सो जो स्टोन है नीचे आके अगर पैनक्रियास की नली को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया तो पैनक्रियाटाइटिस करके एक खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है। सो पैनक्रियाटाइटिस एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है एंड उसमें तेज उल्टी होना, बुखार आना एंड मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर्स भी हो सकते हैं, लोकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पैनक्रियास के आसपास मवाद बन सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट पूरा 4 से 6 हफ्ता चल सकता है। सो ये 3 इन्फेक्शन जो है कोलेसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस और पैनक्रियाटाइटिस, गॉल ब्लैडर की इन्फेक्शन, पित्त की नली की इन्फेक्शन एंड पैनक्रियास की इन्फेक्शन, तीनों इन्फेक्शन की नंबर वन कॉज प्रॉब्लम की कारण जो है वो पित्त की पथरी ही है। सो अगर ये सारा रिस्क को हमें एलिमिनेट करना है तो हमें गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा एंड ये एक वन टाइम ट्रीटमेंट होती है एंड आगे यूजली गॉल स्टोन्स नहीं बनते क्योंकि गॉल स्टोन ही हमने रिमूव कर दिया पेशेंट की। एंड कई लोगों में एक क्वेश्चन रहता है गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर जो है ह्यूमन बॉडी के लिए एसेंशियल है कि नहीं, अगर हमने उसको निकाल लिया कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। 90% लोगों को गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है एंड ये सर्जन करते हैं। बट यूजली हम जब भी गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव करते हैं पित्त की नाली जो है उसकी जो कंडीशन है वो भी चेक करना होता है, कई बार पित्त की पथरी के साथ नाली में भी पथरियां होती है। सो नाली की जो पथरी है उसको रिमूव करने के लिए एक ही तरीका है एंड
नाली की जो पथरी है एक बार आ गया उसको हमें ईआरसीपी के जरिए हमें निकालना पड़ता है। सो एक बार ईआरसीपी हमने किया, नाली की सफाई कर दिया, तो हमें इंश्योर करना है कि नाली जो है वो सेफ रहेगा, ऊपर गॉल ब्लैडर की जो पथरी है वो नीचे ना आए। उस पर्पज के लिए हम एक प्लास्टिक की स्टेंट डाल देते हैं जो 3 महीने के लिए वो पेटेंट रहता है, एंड उसकी बीच में पेशेंट जरूर अपना सर्जरी करा सकते हैं। सो एक बार सर्जरी हो गया तो हम हमारा स्टेंट रिमूव कर सकते हैं। सो यूजुअली जो भी हमारे पेशेंट आते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ, उनको एक ब्लैंकेट एडवाइस तो हम नहीं दे सकते हैं, हमें ये देखना होता है कि कितने पथरी है, पथरी का साइज क्या है। यूजुअली 2-3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 3 नंबर से ज्यादा है, उनको हम ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकते, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हम उसको एडवाइस नहीं कर सकते। सो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होती है डेफिनेटली। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुई है तो अपने नजदीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए एंड उसका इलाज जरूर करवाइए, क्योंकि जो आगे पॉसिबल ऑफ लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत लंबी है एंड डेफिनेटली वो खतरनाक है। एंड सिंपल सी सर्जरी के साथ एंड जो हमारी दवाई के साथ ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आप अवॉइड कर सकते हैं। सो बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फेसबुक लाइव में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।